बीता हुआ सुख बहुत दुख देता है, ये जानते हुए भी मैं अपनी तन्हाइयों से बचने के लिए मेरी रातें माया के वार्ड में गुजारने लगा। सुकून पाने का मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं था। औरों की तरह मैं भगवान, आत्मा, पुनर्जन्म जैसी झूठा दिलासा देने वाली चीजों में विश्वास नहीं करता था, मगर मुझे पता नहीं था कि मेरे जीवन में आस्था की एक ऐसी बूंद गिरने वाली है जो धीरे धीरे सागर में तब्दील होकर मेरी जिंदगी का रुख बदल देगी। Doctor, just give us a minute. ये पहले भी हो चुका है डॉक्टर, पहले भी दो बार हमें लगा कि नकल गुजर चुका है। नो हार्ट बीट, नो पल्स, नथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं जिसे हमें लगे कि वो जिंदा है। और अचानक वो वापस आ जाता है, कहता है कि वो किसी सुरंग से होकर आया है जहां बहुत रोशनी है, सब कुछ दिखता है। आपको यकीन हो जाता है इन बातों पर? पहले तो नहीं होता था, लेकिन पिछली बार जब नकुल इस तरह वापस आया तो उसने मुझे कहा कि वो मेरी बड़ी दीदी से मिलकर आ रहा है। और एक घंटे के बाद ही मुझे फोन पर खबर मिली कि पिछली रात गांव में मेरी बड़ी दीदी गुजर गई।
हाय। हेलो डॉक्टर। आप कैसी है इसकी तबीयत? खुद ही देख लीजिए, ड्राइंग्स तो ऐसे कर रहा है जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। ड्राइंग करना अच्छा लगता है तुम्हें? क्या बना रहे हो? पता नहीं, जब से होश में आओ तब से इसी के बारे में सोच रहा हूँ। कल आप चौक गए थे ना अंकल? कल? कब? हाँ, जब आपके चश्मे पर पानी गिरा था। तुम्हें कैसे पता? मैं आपको देख रहा था। देख रहा था? हाँ, ऊपर सीलिंग से। नकुल, तुम अपने ड्राइंग्स करो, ज्यादा बातें मत करो। नहीं सिस्टर, मुझे इससे बात करनी है। नहीं डॉक्टर, हमें हॉस्पिटल अथॉरिटी से स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस मिली हैं। अगर पेशेंट इस तरह की बातें करना चाहे तो हमें उन्हें डिस्करेज करना है। किस तरह की बातें? जैसे सिस्टर माथा किया करती थी। जो पेशेंट्स दोबारा जिंदा हो गए थे वो उनके एक्सपीरियंसेस रिकॉर्ड करती थी, उनसे ऐसे सवालात करती थी जिनसे वो डिस्टर्ब्ड हो। लेकिन मुझसे तो एक बार भी नहीं मिली सिस्टर मार्था। अगर मिलती तो बहुत सारी बातें बताता, मुझे सब याद है जो मैंने वहां देखा। गो बैक टू योर ड्रॉइंग्स। डॉक्टर, मुझे वार्ड नंबर 2 में एक पेशेंट को देखना है, मैं अभी आई 5 मिनट में। मेरा नाम जानते हो नकुल? आकाश, कहीं सुना है? आकाश, अकी, माया की अकी। पता नहीं, बहुत रोशनी था वहाँ, बहुत पानी था, कुछ कह रही थी। क्या कह रही थी वो? क्या कह रही थी वो नकुल? क्या कह रही थी वो नकुल? अकी, 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 रिलैक्स, अकी, नर्स, नर्स, अकी, he's getting delirious. Put him on IV diazepam, quick! Nakul, relax! Quick, sister! Aki! Aki! Quick! Come on! Aki! Nakul! Nakul! Aki! यू नो, रीसेंट मेडिकल स्टडीज के मुताबिक जिस किसी को भी नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ है उन सबका यही कहना है, कोई सुरंग है, बहुत रोशनी है। ज्यादातर लोग यही कहते हैं, पता नहीं क्यों। मैं बताता हूं। देखो, मेडिकल साइंस ने इस बात की स्टडी की है कि मौत के बाद आंखों का जो कॉर्निया होता है वो धीरे धीरे श्रिंक होने लगता है, जिससे दिमाग में जो इमेज बनती है वो टनल के शेप में होता है। लेकिन आकाश ने तो कहा है कि उस बच्चे को और भी बहुत कुछ याद है, जैसे आकाश का कमरे में आना, झुक कर उसे देखना। याद होगा, शरीर मरता है लेकिन दिमाग एकदम से नहीं मरता। द बॉडी डाइज बट द ब्रेन रिमेन्स अलाइव फॉर अ वाइल, दिस इज अ साइंटिफिक फैक्ट।
दिमाग में इंप्रेशंस बनी रहती हैं उन सब चीजों की जो मरने वाले आदमी के आसपास थी। मेरे चश्मे पर पानी की बूंद का गिरना उसने कहां से देखा? वो तो आसपास था ही नहीं। He was dying जब उसे स्ट्रेचर पर ले जा रहे थे। मुझे लगा कि वो मुझे अक्की कह के बुला रहा है। आपकी बेटी के अलावा और कोई मुझे अक्की नहीं बुलाता था। नेहा, तुम तो एक साइकियाट्रिस्ट हो, तुम्हें क्या लगता है? पापा, साइकियाट्रिस्ट का सबसे पहला काम होता है सुनना। मैं आकाश से ये सुनना चाहूंगी कि वो क्या महसूस कर रहा है इन दिनों। इन दिनों मतलब जो कुछ भी हो रहा है मेरे साथ बता तो दिया। हाँ, पर तुमने एक बात नहीं बताई। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि माया तुम्हें अक्की कह के पुकार रही है? ऐसा नहीं लगता मुझे। चेक योर सेल्फ आकाश, ऐसा तो नहीं कि तुम सच बोलने से घबरा रहे हो? Excuse me. पापा, मैं अभी आती हूँ। आकाश, फीस नहीं लूंगी, कंसल्ट तो करो मुझे। मैं जरूरी नहीं समझता। मुझे पता था तुम यही कहोगे। एक बात और कहना चाहूंगा मैं तुमसे, जो मैंने वहां नहीं कही। माया मेरी बीवी नहीं थी, मेरी दोस्त थी, मेरा सब कुछ थी। हाँ, मैं उसे मिस करता हूं और मुझे लगता है कि वो कहीं आसपास है, मुझे मिलने की कोशिश कर रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं सच्चाई भूल गया हूं। मुझे पता है कि माया मुझे कभी नहीं मिलेगी। आकाश रुको, इस तरह मत जाओ। जो कुछ अंदर भरा है निकाल दो, हल्का महसूस करोगे। मैं क्या महसूस करता हूं क्या नहीं, मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं।